आगमन का तीसरा रविवार पाठ इसायस का ग्रंथ अध्याय 61 पर संख्याएं 1, 2, 10, 11। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढारस बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं, विलाप करने वालों को सांत्वना दूं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूं, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस प्रकार वह याजक की तरह मोर बांधकर और वधु आभूषण पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझे धार्मिकता की चादर ओढ़ा दी है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी फसल उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी प्रकार प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता और भक्ति उत्पन्न करेगा। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ थेसलोनियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 16 से लेकर 24 तक। आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करें, बल्कि सब कुछ परखें और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें। हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाएं। ईश्वर यह सब कराएगा, क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और वह सत्य प्रतिज्ञ है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पर संख्याएं 6 से लेकर 8 तक और 19 से लेकर 28 तक। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य दे। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को योहन के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, तो क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूं। क्या आप वह नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा है, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूं जैसा कि नबी इसायस ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो लोग भेजे गए थे वे सब फरीसी थे। उन्होंने उससे पूछा, यदि आप न तो मसीह हैं, न एलियस और न वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? योहन ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं, मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। यह सब यर्दन के पार बेथानिया में घटित हुआ, जहाँ योहन बपतिस्मा देता था। क्रिसमस प्रिय भाई और बहनों, आगमन काल में हम विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, समय के लिए, सुंदर इस समय के लिए। आगमन काल वह समय है जब हम प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु को अपने दिल में, हृदय में आमंत्रित करते हैं। जिस प्रकार से माँ मरियम अपने गर्भ में बालक यीशु के लिए हुई, यूसुफ बड़े ही चिंतन में बैतलहम की ओर यात्रा करते हुए वे जा रहे थे, आगमन काल हम सभी के लिए भी, संपूर्ण कलीसिया आपके लिए भी एक यात्रा का समय है, जब हम माँ मरियम, संत यूसुफ और बालक यीशु के साथ में पग पग पर कई कठिनाइयां आती है, परेशानियां आती है, मुश्किलें आती है, फिर भी वे चलते जाते हैं। सराय में जगह नहीं मिलती है, फिर भी वे घर पर घर ढूंढते रहते हैं, कहीं उन्हें ठहरने के लिए जगह मिल जाए। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहन, आगमन का काल हमारे लिए भी ऐसा समय हो जब हम मनन चिंतन करें अपने कार्यों पर, अपने बातों पर, ताकि प्रभु आगमन काल में हम सभी को तैयार करें कि हम बालक यीशु को अपने जीवन में। खेतों में बरसात के मौसम में हम अक्सर देखते हैं चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे पर हरे हरे नए पत्ते निकल आते हैं, खेतों में डाले
गए बीज अंकुरित होकर आनंद पूर्वक बाहर उछलने लगते हैं। नबी ईसाईस कहते हैं, जिस प्रकार पृथ्वी अपनी फसल उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी प्रकार प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता और भक्ति उत्पन्न करेंगे। यह कैसे संभव होता है? आज के पहले पाठ के प्रथम दो या तीन वाक्यों पर ध्यान दें। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उन्होंने हमें भेजा है कि हम भी दरिद्रों को सुसमाचार सुनाएं। सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को जो ईश्वर का भेजा हुआ मनुष्य था, संत योहन बपतिस्ता, उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उनके साक्ष्य दिए हैं जिनका अभिषेक ईश्वर ने किया था, अर्थात ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु। मैंने सत्य का साक्षी बतलाया। वे अपने आप को नबी भी नहीं स्वीकारते, पर अंततः हामी भरकर यह स्वीकारते हैं कि वे एक संदेश ही है। ईश्वर के बिना उनका अस्तित्व नहीं है, इसलिए वे कभी नहीं कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें विशेष कार्य के लिए भेजा है। वे वास्तव में एक नबी हैं जो एक संदेश के साथ चुनी हुई जनता के पास भेजे गए हैं। वे उनके लिए एक चेतावनी का संदेश लेकर आए हैं जो उन्हें एक नई आशा से भरता है। संत योहन बपतिस्ता का मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसी प्रकार मदर टेरेसा कलकत्ता की वह संदेश भी, जिसने संसार को जगाया था, उसने भ्रष्ट बुद्धि वालों को, अंतरात्मा को जगाया था। इस तरह असीसी के संत फ्रांसिस ने अपने जीवन के भौतिकवादी और लालची लोगों को जगाया था। ठीक उसी प्रकार पोप फ्रांसिस कहते हैं कि हम सभी दुनिया को जगाने के लिए भेजे गए हैं। हम ख्रिस्त या ख्रिस्त के द्वारा भेजे गए जीवंत संदेश हैं। हम लोग एक तरफ दूसरों के लिए आशा की किरण हैं, तो दूसरी तरफ लोगों के लिए एक चेतावनी भी। पर यह तभी संभव है जब हम अपने को उसी ईश्वर के एक भाग समझें। आगमन का तीसरा रविवार आनंद का रविवार माना जाता है। हम आज इसलिए भी आनंदित हो कि ईश्वर हमें अपना संदेश बनाता है। अतः हम आज थोड़ा रुक कर देखें कि क्या हम सही में दूसरों के लिए एक संदेश है। जी हाँ, कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आगमन का समय हम सभी के लिए विश्वास का समय रहे, अनुग्रह का समय रहे, प्रेम का समय रहे। जब हम प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को समर्पित करें, अपने मन और हृदय को समर्पित करते हुए विशेष कृपा और आशीष के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर सभी को आशीष दे, कृपा दे, अनुग्रह। आगमन काल में हम बहुत ही उत्साह के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करें और क्रिसमस मनाने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने घर परिवार को तैयार करें, अपने बच्चों को तैयार करें, आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन को प्रभु के सामने समर्पित करें। उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए आइए हम पूर्ण भक्ति के साथ इस क्रिसमस को मनाने के लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन।